माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए भारत सरकार दवाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से काम कर रही है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बार बार नशीली दवाओं के खतरे को जड़ से खत्म करने के अपने संकल्प को व्यक्त किया है और सभी नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के अपने दृढ़ संकल्प पर लगातार जोर दिया है। दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना के मार्गदर्शन और पुलिस आयुक्त श्री संजय अरोड़ा के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस द्वारा इसे ईमानदारी से लागू किया जा रहा है। नशे पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस के जिलों और इकाइयों द्वारा विभिन्न अभियान और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अपराध शाखा के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 26 अक्टूबर को इंडिया गेट पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग और इसके रोकथाम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इस कार्यक्रम को पुलिस आयुक्त दिल्ली श्री की गरिमामय उपस्थिति से सम्मानित किया गया। संजय भाटिया, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध और अपराध शाखा, नई दिल्ली जिला पुलिस, IFSO, यातायात इकाई आदि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी। कार्यक्रम का उद्देश्य जनता को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों और इस मुद्दे से निपटने में सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व के बारे में शिक्षित करना था। जागरूकता पैदा करने के लिए नुक्कड़ नाटक, पेंटोमाइम शो, पेंटिंग प्रदर्शनी, जागरूकता वीडियो टेलीकास्ट, स्टैंडीज का प्रदर्शन, फ्लेक्स बोर्ड और पैम्पलेट और ई प्रतिज्ञा जैसी कई प्रभावशाली गतिविधियां और पहल आयोजित की गई। 26 अक्टूबर को आयोजित नशा जागरूकता अभियान की सफलता को आगे बढ़ाते हुए नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार टीवी।